हुनर को हमेशा हाथों से जोड़ा जाता है, कला हाथों में होती है, मगर सोचिए जिनके हाथ नहीं होते क्या उनमें कोई हुनर भी नहीं होता। चलिए मिलते हैं एक ऐसे ही नायाब इंसान से जिसने अपनी किस्मत की किताब बिना हाथों के ही लिख डाली। मिलिए नदीम शेख से। ऐसा कोई काम नहीं जो ये बिना हाथों के ना कर सकते हो। मुझे कभी ऐसा कुछ फील हुआ नहीं कि मैं हैंडीकैप हूँ, और मेरे जितने भी दोस्त हैं, मेरे घर वाले, उन सब का सपोर्ट रहा। अपनों का साथ होना बहुत बड़ी ताकत है, उससे भी बड़ी ताकत है आत्मनिर्भर होना। नदीम वो हर काम कर लेते हैं जो आम लोग अपने हाथों से करते हैं। फर्क इतना है कि नदीम ने पैरों का इस्तेमाल करना सीख लिया है। उन्होंने 10वीं की परीक्षा भी पैरों से लिख कर दी थी। नदीम की इस लगन को देखते हुए एक टीचर ने उनका मार्गदर्शन किया, जिसके बाद उनकी जिंदगी बदल गई। जब मैं 7th स्टैंडर्ड जब मैंने छोड़ दी थी, तो वहाँ से एक मैडम ने मुझे इंडियन माउथ एंड फुट पेंटिंग आर्टिस्ट एसोसिएशन में हम लोग को ज्वाइन करवाया, और फिर मैं उनके साथ टाइप हूँ, और अभी उनके साथ ही मिलके मैं अपनी आर्ट को और डेवलप करने की कोशिश करता हूँ, और लोग शायद उसे पसंद करते हैं। नदीम के अलावा 74 देशों से लगभग 800 से ज्यादा लोग माउथ एंड फुट आर्टिस्ट एसोसिएशन में अपने पैरों से या मुँह से अपनी कला को अंजाम दे रहे हैं। की कला को स्टेज भी मिलता है और उनकी आमदनी भी होती है। मेरी सोच जहाँ तक है, तो मैं चाहता हूँ कि जो हमारा जो टैलेंट है उसके ऊपर हम 100% दें। अगर हमारी अगर परिस्थिति बहुत खराब है तो हमें वो जॉब भी करना चाहिए। जॉब करते साथ साथ हमें जब हमें वक्त मिले, जैसे आधा घंटा, एक घंटा, तो वो अपने लिए हम कर सकते। नदीम की कहानी से एक बात साफ है कि हुनर वाकई शारीरिक या आर्थिक संपन्नता नहीं देखता। जो हुनर अच्छे लोगों के हाथों में नहीं, वो नदीम और उनके जैसे कई लोग अपने मुंह और पैरों से बनाते हैं। इनके जज्बे को देखकर हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। नदीम को मिला ये 15,000 का चेक उनकी मेहनत और लगन को तो साबित करता ही है, और हमें भी सीख देता है कि इनमें कोई कमी नहीं। जिंदगी का यही नाम है कि मतलब कि लाइफ जैसी भी हो, खुश रहो और हंसते रहो।